हाय एवरीवन, आई एम रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, नया मई एक मंथ स्टार्ट होने वाला है, मई 2021। सो आई एम आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो जिसमें कि आपको मई मंथ के बारे में कुछ अच्छे से डिटेल्स, स्पेशली योर रिलेशनशिप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले आप लोगों की पाइल बनाने वाली हूँ ताकि आप सेलेक्ट कर लें। आई विल मेक ओनली 4 पाइल्स फॉर ऑल ऑफ यू। आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस कौन सी पाइल के साथ जा रहे हैं और उसके बाद में आपको प्रेडिक्शन दूंगी। ठीक है, तो पाइल में स्टार्ट करने वाली हूँ, बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ आप सभी के लिए। उसके साथ साथ मैं आपको अगर जब जो पाइल आपको जिसका रीडिंग लेना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टाइम स्टैम्प पे मैं लगाऊंगी डेफिनेटली, आप उसमें जाके क्लिक करेंगे तो आप उस पाइल पे जाकर अपना रीडिंग ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैं पाइल बना लूँ सबसे पहले आपकी। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले मैं पाइल नंबर 1। ओके, नेक्स्ट वन इज पाइल नंबर 2। ओके ओके, नाउ यू कैन सी दिस। ओके, नाउ ओके, पाइल नंबर 3 ऑटोमेटिक आ गया है, बट मैंने इसको रिवील नहीं कर रही हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, टू मच हार्ड शफल दिस कार्ड बिकॉज दे आर टू मच बिग इन द साइज, सो ट्राइंग टू शफल मेनी टाइम्स। ओके, नाउ पाइल नंबर 4। ओके, तो ये 4 आपके लिए मैंने पाइल यहाँ पर बनाई है और यू कैन सेलेक्ट द पाइल्स ओवर देयर, जो भी आपको पसंद आ रही है। या आप दिस इज ए बी सी एंड डी, हम इसको नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी और डी, और डेफिनेटली मैं इनके ऊपर आर्टिकल्स रख देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको इजी रहेगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फाइल्स। ठीक है, तो मैं मेरे कुछ आर्टिकल्स में रख देती हूँ ताकि आपको पता रहे अपनी कौन सा आर्टिकल के साथ आप जा रहे हैं। राइट, आई एम जस्ट पुटिंग सम आर्टिकल्स विथ दैम। ओके, देयर आर सम ब्यूटिफुल स्टोन्स आई हैव, सो मैं इनको ही इस पर रखने वाली हूँ। ठीक है, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो आई एम गोइंग विद अ ब्यूटिफुल आर्टिकल्स विद दैम। इट्स अ बटरफ्लाई, सेकेंड वन इज दिस वन, एंड थर्ड वन, एंड फोर्थ इज अ या दिस फ्लावर्स। ओके, नाउ इज कंप्लीट। सबसे पहले जो ए वाला जो पाइल है, इसके ऊपर मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई रखी है। यू कैन सी दिस, द बटरफ्लाई इज वेरी ब्यूटीफुल इन द पिंक कलर, कलर इन पिंक। ओके, सेकेंड वन इज बी में मैंने एक पर्ल का स्टोन का एक आर्टिकल रखा है, यू कैन सी इज अ वेरी ब्यूटिफुल आर्टिकल। ठीक है, थर्ड वन में एक सिंपल प्लेन वाला आर्टिकल है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, कुछ कार्विंग हुआ हुआ है, सिल्वर कलर का है, यू कैन सी दिस। राइट, एंड फोर्थ वन इज फॉर ब्यूटिफुल फ्लावर इन अ पिंक कलर, बहुत सुंदर सा है, सिल्वर में है और पिंक कलर में फ्लावर बना हुआ है, बहुत प्यारा सा। तो दीज आर द 4 पाइल्स फॉर यू, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली रिलेशनशिप इन दिस वीडियो, मे 2021। ओके, तो देयर इज ए बी सी एंड यू कैन सी द पाइल्स मेरे सामने रखी हुई हैं, आपको कैमराज में नजर आ रही हैं। मैं अपना वीडियो को पॉज करने वाली हूँ, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से पाइल्स आप जा रहे हैं। राइट, सो आने वाले 5 से 10 सेकेंड आपके लिए, यू कैन सेलेक्ट द पाइल्स। ओके, ओके, आई थिंक फ्रेंड्स आपने पाइल को पसंद कर लिया होगा, सेलेक्ट कर लिया होगा नॉट। ठीक है, तो मैं आपको रीडिंग देने वाली हूँ। दिस इज द डी, दिस इज द सी, दिस इज द बी एंड दिस वन इज ए। तो हम ए से शुरुआत करेंगे। ओके, रिलेशनशिप, योर लव रिलेशनशिप, योर बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप, योर लवर्स, योर रिलेशनशिप जो भी होती है, आपके जो रिलेशंस है जो कि आपके इमोशंस से जुड़े हुए हैं, आपके दिल से जुड़े हुए रिलेशंस है, सिर्फ उनकी मैं बात करूंगी। ठीक है, ए पाइल से शुरू कर रही हूँ, दिस इज अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है उनका मैं अब रीडिंग देने वाली हूँ। राइट, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैंने इसको किया है। सबसे पहले मैं कार्ड देखती हूँ आपका क्या कार्ड आया है। डिसीट, डिसीट इज योर कार्ड, डिसीट। रिलेशनशिप में अगर आप अभी हैं राइट नाउ, मैं सिर्फ मई मंथ की बात कर रही हूँ, मोटा स्पेशली फॉर एंड 2021। तो अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं या ऑलरेडी है, तो द डिसीट कार्ड इज देयर। आपके लिए कार्ड आया है डिसीट का, यानी कि छल, कपट, धोखा साफ नजर आ रहा है, बहुत निगेटिव कार्ड है। लव रिलेशनशिप को लेकर के तो बहुत ज़्यादा निगेटिव कार्ड आया है। आपकी ज़िंदगी में आने वाले एक महीना में कहीं ना कहीं धोखा या
छल या आपको फ्रॉड का सामना कर, मतलब एक होता है ना बैक बाइटिंग, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे पीछे क्या हो रहा है या मेरे बैक टू कटन क्या चीज़ हो रही है. दिस इज़ योर कार्ड फॉर एब की बात कर रही हूँ मैं. बहुत निगेटिव कार्ड आया है, आप अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान देना पड़ेगा. राइट नाउ आपका मैं टैरो स्प्रेड करने वाली हूँ कि आपका टैरो क्या कहता है. ए पाइल्स की बात कर रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले मैं पहला कार्ड निकाल रही हूँ आपका. कार्ड उल्टा आ गया आपका, तो मैं डेक उल्टा कर, ठीक है, अच्छा नहीं है कार्ड. सेकंड वन, लव रिलेशनशिप में कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं आपके. ए पाइल जिन्होंने भी पसंद किया है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इन पिंक कलर. ओके, तीन कार्ड्स मैंने आपके मुस्लिम निकाले हैं. दे आर नॉट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, दे आर ओनली फॉर मे मंथ. ओके, फॉर अ रिलेशनशिप ओनली. तो आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ. फर्स्ट कार्ड वॉज द हर्मिट, अकेलापन. दिस द मेन, सबसे बड़ा कार्ड आपका यही आ रहा है, अकेलापन, लोनलीनेस. बहुत ज़्यादा अकेले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, परेशान हो रहे हैं. कैसे ना कैसे आप करें तो करें क्या, आपकी लव लाइफ बिल्कुल रुक चुकी है, बिल्कुल रुक चुकी है. कोई डेवलपमेंट, कोई एक वो आगे बढ़ने का कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है. इन योर लव रिलेशनशिप में आप बात कर रही हूँ, आपकी इमोशनल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ. ठीक है, कार्ड इज़ वेरी नेगेटिव, बट यू कैन डू द वन थिंग एंड यू कैन. कम्युनिकेशन जो गैप है उसको आपको भरना पड़ेगा. कम्युनिकेशन चालू रखिए अपने बीलव्ड के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ. ठीक है, कार्ड इज़ वेरी वेरी नेगेटिव, अकेलेपन का आपको सामना करना पड़ेगा. इन मे की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, सेकेंड वन इज़ एट ऑफ वॉन्ड्स. जो भी आप काम करेंगे, मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, आप जो भी अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप कदम उठाएंगे, उस कदम में आपको बहुत बार मेहनत करनी पड़ेगी. एट टाइम्स द एट ऑफ वॉन्ड्स आर हेयर. स्टक होके फील हो रहेंगे, करेंगे, फील करेंगे. उसके अलावा अराउंड एट टाइम्स, यानी एक काम को करने के लिए आपको 8 बार मेहनत करनी पड़ेगी. अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, उसको एक ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देने के लिए. देयर इज अ वेरी वेरी नेगेटिव कार्ड फॉर यू, बट दिस इज अ गुड कार्ड. पेज ऑफ कप्स आया है कहीं ना कहीं. एक लास्ट वीक आई कैन से दैट थिंग, लास्ट वीक में, मई के लास्ट वीक में आपको कोई अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है फॉर योर रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं आप उसको बेटर फील करेंगे. कहीं ना कहीं, कहीं दूर से आपको कोई, दूर से कोई ऐसा फ्रेंड हो, कोई क्लोज फ्रेंड हो जिसको कि आप बहुत ज़्यादा अपना क्लोज समझते हैं और काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हो रही है, आपको कहीं ना कहीं उसकी कमी फील हो रही है, देन ही विल बी देयर. वो आपको कॉल करेगा, आपसे बात करेगा. तो दिस इज रियली वेरी गुड कार्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट वीक ऑफ द मे फॉर यू. अदरवाइज कार्ड बहुत नेगेटिव आए हैं फॉर यू. जिन्होंने भी ए पाइल को पसंद किया है, दिस वेरी नेगेटिव कार्ड. ठीक है, मैं आपके लिए ऑरेकल से भी कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ, यानी ऑरेकल से भी आपके लिए कुछ कार्ड्स लेती हूँ. ठीक है, ऑलरेडी आपका जो मैसेज जो आया है वो डिसीट का है, यानी कि धोखे का कार्ड आया है. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एक और कार्ड आपका मैं लेती हूँ. कॉन्ट्रैक्ट, ओके. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है फ्रेंड्स. कहीं ना कहीं आपकी जो मजबूती है, आपकी जो इनर पावर है, वो आपको दिखानी पड़ेगी. यानी कि आप जो स्ट्रांग, यू आर वेरी स्ट्रांग पर्टिकुलर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. और इसके लिए आपको अपना एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब अपनी मजबूती, अपना स्ट्रांग, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या किसी भी रिलेशनशिप हो, उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन. और इस जो ये फेजेस है, आपको अपनी स्ट्रांग के साथ निकल जाना है. ठीक है, अपने आपको टूटने नहीं देना है. दिस इज अ मैसेज फ्रॉम द ओरेकल्स. कॉन्ट्रैक्ट, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट, यानी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कार्ड आया है. कहीं ना कहीं आपको ऐसी कोई चीज़ आपको मिल सकती है. अगर जो मैरिड लोग हैं मेरा इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि कोई उनको डिवोर्स का भी पेपर मिल जाए या उनको साइन करना पड़ जाए अचानक से. इस तरह का भी काम हो सकता है. लॉ एंड ऑर्डर का कार्ड आया है. कहीं ना कहीं ऐसा कोई चीज़ पर आप साइन ना करें जो आपको लगे कि सही नहीं है. ठीक है, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम द ओरेकल. ऑलरेडी डिसीट आपका आया था, तो कार्ड इज नॉट सो वेरी वेरी गुड. स्पेशली रिलेशनशिप के लिए तो कार्ड बहुत नेगेटिव्स आ रहे हैं. कल एक कार्ड अच्छा आया है, वो लास्ट मंथ ऑफ वीक, लास्ट वीक में आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है फ्रॉम योर दूर का कोई फ्रेंड हो, दूर का कोई ऐसा, या काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं हो रही हो, वो हो सकता है. अदरवाइज कार्ड इज वेरी नेगेटिव. ए पाइल वालों की बात कर रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा. कार्ड अच्छे नहीं आए हैं आपके. ठीक है, चलिए मैं बात करती हूँ बी, बी वालों की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा पर्ल को पसंद किया था, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पर्ल, यू कैन सी
वेरी नाइस, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपका कार्ड देख लेती हूँ, केयरिंग कनेक्शन, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी आई कैन से पॉजिटिव कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू, जिन्होंने भी बी को पसंद किया है उनकी बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप केयरिंग कनेक्शन फील करेंगे, कहीं ना कहीं आपको केयर मिलने वाली है। अगर आप केयर करेंगे सामने से, तो सामने से भी आपको केयर मिलेगी, बिकॉज ये कंपेटेबिलिटी, यानी कि एक दूसरे को अगर आप जो करेंगे वो आपको बैक में मिलने वाला है। ये कार्ड आपको ये दिखाता है, कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है रिलेशनशिप को लेकर के, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर और ट्रैवल निकालने वाली हूँ आपकी बी पाइल वालों की। पहला कार्ड निकालते हैं आपका द मजिशियन, वेरी स्मार्ट, हैंडल द सिचुएशन इज वेरी स्मार्टली और बहुत अच्छे से अपने आप को सेट कर लेंगे। वैसे आपने पल चुना है तो आप दिमाग से भी कूल रहते हैं, आपको पता है मुश्किलों का कैसे सामना किया जाता है। यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल चीज आपने पसंद की है, तो आपको पता है मुझे करना क्या है। द एम्प्रेस, माई गुडनेस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड आर देयर फॉर बी पायल, जिन्होंने पसंद किया है, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके। एज ऑफ पेंटिकल्स, बी वालों के तो बहुत ही ज्यादा अच्छे कार्ड है। सबसे पहले आया था मजिशियन, मजिशियन कार्ड कह रहा है कि आप बहुत स्मार्ट है, आपको पता है मुझे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। दिस इज द ट्रिक, आपको पता है, बिकॉज मजिशियन है, मजिशियन इज अ जादूगर, ठीक है। आपको पता है कि मुझे अपने रिलेशनशिप में, अपना जो मेरा लव रिलेशनशिप है या फ्रेंड्स है, जो भी मेरा जो इमोशनल रिलेशनशिप है, उसको मुझे किस तरह से सेट करना है, हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है, ठीक है। आप रो के, हंस के, पैसा दे के, लड़के भिड़के, कैसे भी करके, हर तरीके से अपने आप को सेट कर लेते हैं, सिचुएशन को संभाल लेते हैं, ठीक है, स्मार्ट पर्सन। द एम्प्रेस आया है With your luxurious life, with your lover, आप बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे, because already Venus का कार्ड आया है, this is a Venus card, शुक्र का कार्ड आया है, मतलब दोनों हाथों से आपको प्यार मिलने वाला है, आप प्यार देने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो पॉसिबल है कि इस मंथ में आपकी जिंदगी में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान एंट्री कर ले और आपको प्यार मिले और आपको अच्छी जिंदगी मिलने वाली है, यानी कि अच्छाई की तरफ आप जाने वाले हैं, यानी रिलेशनशिप आपके बेटर बनने वाले हैं, तो दिस वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। और ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑलरेडी बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वीनस खुद आके बैठा हुआ है, शुक्र खुद ही आके बैठ गया है, यानी आपको प्यार देने के लिए तैयार है, कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है। एज ऑफ पेंटिकल्स मनी वाइज भी है, दूसरा आपको मनी सपोर्टिव मिलेगा, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम देता हुआ नजर आ रहा है, इन योर प्रोफेशन, इन योर मनी मैटर, इन योर जॉब, एंड यू आर ऑल्सो वेरी फील कूल फील करेंगे, क्योंकि आपको मनी भी मिल रही है, प्यार भी मिल रहा है और आप स्मार्ट भी हैं, तो चारों तरफ से ये आपके तो बिल्कुल आई थिंक के वारे नहरे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड आए हैं बी वालों के, और मैं आपका ओरेकल निकालती हूँ कि आपके ओरेकल मैसेज क्या आपको दे रहे हैं, ठीक है। पहला कार्ड इज एंजल ऑफ लव, सो माय इतना अच्छे से कनेक्ट कर रहा है ये आपके एंजल ऑफ लव, यानी एंजल्स भी आपको प्यार दे रहे हैं। एंजल्स कह रही है कि प्यार के लिए शुरू तैयार हो जाओ, प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, you should ready for the love, this is really very beautiful card for you, very very beautiful, very positive card, angels bhi aapko adjacent possibilities mein wishes mein atak jati hu, theek hai, possibilities yani kahin na kahin aapki zindagi mein wo sab cheeze yani wo sab darwaze bhi khulne wale hain jinko kafi time se rok rahe the, pyar already aapki life mein aa gaya hai, possibilities jo aane wali hai wo ye kehti hai ki फॉर योर करियर, फॉर योर ऑल द फील्ड्स में भी आपको पॉसिबिलिटीज मिलती हुई नजर आ रही है, दरवाजे खुल रहे हैं, खिड़कियां खुल रही हैं, जिंदगी आपको वेलकम करना चाह रही है, या लाइफ आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देने दे रही हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। सो दिस इज अ रियली रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एंजल ऑफ लव आ चुका है और ये भी आपके लिए आ चुका है, यानी कि आपके करियर वाइज है, मनी वाइज रिलेट कर रहा है मनी का कार्ड, एंड दिस इज अ मनी कार्ड, प्रोफेशन कार्ड भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एंड उसके अलावा एंजल ऑफ लव, यानी दोनों साइड में आपको वीनस आके बैठी हुई है, तो कार्ड्स आपको रेगुलर कह रहे हैं कि ये महीना आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। केयरिंग कनेक्शन सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया था, तो दिस मंथ इज फॉर द बी ऑप्शन आर अमेजिंग ब्यूटीफुल पॉजिटिव फॉर द लव, फॉर द रिलेशनशिप्स, फॉर द करियर, फॉर द मनी, फॉर द ऑल द पॉसिबिलिटीज आपको अपनी जिंदगी में जो आपको चाहिए, जब तक आप सोच रहे थे, इन योर जॉब ऑल्सो, सो दिस इज रियली रियली अमेजिंग कार्ड फॉर द बी ऑप्शन रियली, एंड गुड लक अभी से, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड, ओके। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन इज, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, ये सिंपल सा कार्विंग वाला जो एक
आर्टिकल है, बहुत सुंदर सा है, उनका सी ऑप्शन रखा है, सी फाइल है, मैं देखने वाली हूँ क्या है। मैजिशियन एंड द मिरर, ओके द मैजिशियन एंड द मिरर आया है, आपने इसको सेलेक्ट किया है। चेंज योर सेल्फ, रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ आपके प्यार की बात हो रही है यहाँ पर, आपके फ्रेंड सर्कल की बात हो रही है यहाँ पर। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है, और नहीं है, नहीं है, और जो है उसमें आप फुलफिल फील नहीं करते, आपको लग नहीं रहा कि आई एम द बेस्ट, मुझे अच्छा लग रहा है या मेरी जिंदगी में प्यार है। बिकॉज मैजिशियन इन द मिरर, आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। यू शुड चेंज योर सेल्फ, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर से तो करना ही करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनानी है, क्योंकि जब हम प्यार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी, जब हम फर्स्ट किसी को देखते हैं कि मुझे कोई इंसान पसंद आ रहा है, मैं किसी इंसान को पसंद कर रही हूँ, या हम किसी को भी देखते हैं कोई सुंदर लड़की है या हैंडसम इंसान बंदा है लड़का है, तो जैसे हम उसको फर्स्ट में जब देखते हैं, फर्स्ट जो हमारी आई कॉन्टैक्ट होता है, जब हम उसकी पूरा पर्सनैलिटी को देखते हैं तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। आफ्टर दैट वो बात करेगा या पास बैठेगा या उसका पता चलेगा कि वो अंदर से कैसा है, उसका नेचर कैसा है, दैट इज अ सेकंड फेज। तो दिस इज अ फर्स्ट फेज भी आपको चेंज करना है। योर पर्सनैलिटी इज नॉट गुड, नॉट अट्रैक्टिव फॉर रिलेशनशिप्स एट ऑल। सेकेंडली आपको इनर भी अपना संभालना पड़ेगा, बिकॉज बाहर से आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया दिस नॉट मैटर, अगर आपने किसी बात की मुंह खोला तो लगेगा कि ये क्या बात हो रही है, या इज नॉट अ गुड पर्सन, बाहर से अच्छा था ये तो अंदर से तो अच्छा नहीं है, इज नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप और नॉट गुड फॉर द फ्रेंड्स, बनाने के लायक नहीं है। तो अंदर और बाहर दोनों साइड से आपको यू शुड चेंज योर सेल्फ, अलॉट लॉट मेहनत करनी पड़ेगी अपने। ठीक है, मैं आपके टैरोट निकालने वाले हूँ, सी ऑप्शन की बात कर रही हूँ, सी पहले बात करें। फर्स्ट कार्ड बिल्कुल आपके जो आपने आपका ओरेकल मैसेज जो आया है, जो आपने सेलेक्ट किया है, बिल्कुल उसकी जैसे कार्ड आने सेम आ रहे हैं। गुड, ठीक है, चलो एक तो कार्ड आपका अच्छा ही रहा है। टू मच हार्ट, ओके चलिए। सबसे पहले आपका एट ऑफ वांड्स, मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी से मैंने आपको मेहनत करने के लिए बोल दिया है। चेंज योर सेल्फ दोनों चीज़ें क्रिएट कर रही है, आपको कहीं ना कहीं अंदर से बाहर से अपना इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी दोनों सब आपको ठीक करना है, संभालना है, क्लियर करना है, अट्रैक्टिव बनाना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक तो कौन सा है, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रक मत हो, मतलब स्ट्रक एक को कहते ना कि अपने आपको एकदम तैयार करना पड़ेगा, वो चीज़ की जरूरत है आपको। द फूल, आप सिर्फ ड्रीम्स में रहते हैं, आपको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मेरी जिंदगी में एक अच्छी औरत आएगी, मेरी जिंदगी में अच्छा इंसान आ जाएगा, बट द फूल सिर्फ ड्रीम्स में रह रहे हैं, बाहर प्रैक्टिकलिटी नहीं है आपके लाइफ में बिल्कुल भी, और आपको करना क्या है ये आपको ही पता नहीं है, और संबंध अगर आपको कोई कहता भी तो आप उसके सुनते भी नहीं है। ठीक है, बट दिस कार्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज अ हैप्पी फैमिली एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। टेंथ ऑफ कप्स आया है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज, ऐसा इंसान आएगा जब आप अपने आप को ठीक करेंगे कि वो आपका लाइफ पार्टनर ही बन जाएगा। ठीक है, आपका लव रिलेशनशिप में आपको यू फील मोर, ओके यू फील मोर कि आप ये चाहते हैं कि मेरे को शादी ही करनी है, आपको लव रिलेशनशिप ये या मतलब एक लिविंग रिलेशनशिप, वो होता है ना जो कि एक प्यार चलता जा रहा है लंबे समय तक, दोस्ती चल रही है, ये आपको पसंद नहीं है, यू वांट कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये जो महीना है इसमें हो सकता है कि आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आए, मैं लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। आपने अपने आप को चेंज किया, आपने अपने को चेंज किया, मेहनत करी, आप सिर्फ ड्रीम देख रहे हैं कि मुझे ड्रीम्स जो देखना है या मुझे करना क्या पता नहीं है। एंड द फ्यूचर आपका हो सकता है कि बहुत अच्छी जगह पर शादी की बात चले या तय हो जाए। ये महीना आपके लिए चेंज ऑफ योर लव रिलेशनशिप, चेंज ऑफ योर लाइफ, आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस की काफ़ी नज़र आ रहे हैं कि महीना आपको काफ़ी चीज़ें चेंज करके दे देगा आपको आपकी लाइफ में। सी ऑप्शन वन की बात करें, मैं आपको ऑरेकल निकालने वाली हूँ, ओके ऑरेकल्स मैं आपका निकालने वाली हूँ, सी ऑप्शन की बात करूँ, सी पाइल वालों की बात करूँ मैं। दसन कार्ड बहुत अच्छा है, बट द सन इज इंडिकेटेड फॉर होल योर लाइफ, सारी फील्ड को कवर करता है। इंडिजन वो ही सेम, इंडिजन एंड द सेम चीज, ठीक है, इंडिजन आया है, कंफ्यूज रहते हैं और दो चीज़ों को लेकर के ऑलरेडी कंफ्यूज रहते हैं, यानी दोनों ही सेम आपको बता रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं आपकी लाइफ में। आइदर जो मुझे लग रहा है आपके कार्ड्स को देख करके,
कहीं ना कहीं दो इंसान आपकी लाइफ में इस वक्त हैं एंड यू आर डिसीजन नहीं ले पा रहे मुझे करना क्या है। दूसरी चीज है 10 साल आया है, यानी आपको लाइफ के सारे फेजेस में सफलताएं तो मिल रही हैं, बट इन योर लव रिलेशनशिप, इन योर इमोशनल रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सिर्फ इसी के लिए है, ये कार्ड स्प्रेड मैंने सिर्फ इसी के लिए की है, रिलेशनशिप के लिए। उसमें आपको पता नहीं कि मुझे करना क्या है, दिस द प्रॉब्लम आपके लिए है। ऑल फेजेस में यू आर वेरी गुड, द सन आया है इन मनी मैटर्स, इन प्रोफेशन, इन आपका जो जॉब है उसमें आप यू आर वेरी गुड, ईश्वर आपको पूरी कृपा दे रहा है, अच्छे से आपकी जिंदगी अच्छे चल रही है। बट रिलेशनशिप में इंडिजन आपको फूल वाली फीलिंग आ रही है, उसके अलावा यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी मेंशन एंड द मिरर आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या पक्का हो सकती है कि आपकी एंगेजमेंट हो जाए, दिस इज अ वेरी गुड चांसेस। तो आपको करना क्या है, चेंज योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, और दो लोगों के बीच में कन्फ्यूज ना होइए, ठीक है। और ये जो महीना आपका आ रहा है मई वाला, ये आपको बहुत कुछ चेंज कर देगा, आपके लिए एकदम बदल देगा, चेंज एकदम चेंज, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है वो एकदम डिफरेंट होने का दिखाई दे रही है, एकदम स्ट्रक से सीधा आप आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, यानी शादी होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने आपको चेंज किया, इंडिजन वाले माहौल से बाहर निकले, कंफ्यूज वाले माहौल से बाहर निकले, आपकी शादी हो गई, ठीक है। दिस इज द कार्ड सेइंग टू यू मी। अब मैं बात करती हूँ 4 नंबर की पाइल्स का, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर को सिलेक्ट किया है, ठीक है, उनकी मैं बात करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं इसे रखती हूँ, एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया है एंजल ऑफ बैलेंस को, यानी आपकी पाइल मुझे बता रही है कि मैं एंजल ऑफ बैलेंस, कहीं ना कहीं या तो आप सारे टाइम काम ही कर रहे हैं, या आप सारे टाइम ही वो प्यार ही कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस नजर नहीं आ रहा इन योर रिलेशनशिप आपको, या तो आप उसको रेगुलरली कॉल कर रहे हैं, रेगुलरली मिल रहे हैं, रेगुलरली केयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या फिर आप सडनली एकदम डिटैच हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो बात ही नहीं करनी, मुझे तो कॉल ही नहीं करना, मुझे तो केयर नहीं करना। बैलेंस नहीं है इन योर रिलेशनशिप, बैलेंस बनाइए, एंजल ऑफ बैलेंस कह रहा है कि बैलेंस बनाइए, जिंदगी में कब क्या करना है उसका एक बैलेंस होना चाहिए, कब मुझे कॉल करना है, कब मुझे प्यार करना है, कब मुझे उससे नाराज होना है, कब मुझे उससे गुस्सा होना है, सब चीज़ें होनी चाहिए रिलेशनशिप में, बट बैलेंस इज नॉट देयर, ठीक है। तो मैम आपका टैरो निकालती हूँ, सबसे पहले डी ऑप्शन की बात कर रही हूँ, फ्रेंड्स आप मुझे आपको जो भी फाइल सेलेक्ट की है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, और मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, वहां जाके अपने रीडिंग ले सकते, ठीक। चलिए सबसे पहले पहला कार्ड, आई डोंट नो व्हाई ये कार्ड रेगुलर आ रहा है, ये तो वांट्स फिर से आ रहा है, मेहनत आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, मेहनत आ रही है, क्यों आ रही है आई डोंट नो, रेगुलरली कार्ड सबके लिए आ रहा है, सेम चीज सेम चीज सेम चीज, ठीक है। प्यार का तो कार्ड ही नहीं आया है, पहले बता दूं मैं आपको, आप मैंने वो जो कार्ड से पहले ही जो मैंने आपको बातें बोली है वही चीज़ इसमें आ रही है, बिकॉज ऑलरेडी एंजल एंजल बैलेंस क्या कह रही है, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके नहीं चल रहे हैं, आप पैसा कमाने में लगे हुए हैं, आपके लव रिलेशनशिप के लिए आपके पास वक्त ही नहीं, यू आर वेरी वेरी बिजी पर्सन, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको प्यार चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रक से फील हो जो कर रहे हैं, या लाइफ एक आपको लगता है कि अगर मैं प्यार करूंगा तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, एक जिम्मेदारी, मैं आई डोंट वांट टू टेक दिस जिम्मेदारी, और आप उसे भाग रहे हैं, बट अब आपकी हालत ये हो रही है कि आपको मेहनत करके प्यार मिलेगा, इजीली नहीं मिलने वाला है, रेगुलरली पैसा बना रहे हैं और सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं, आपको प्यार या मोहब्बत या रिलेशनशिप में यू आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड पर्सन, और ये भी हालत यही है, कहीं ना कहीं आपको है जिंदगी में प्यार, बट आपको करना पड़ेगा कर्मा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ करके, आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा कि हाँ आई नीड लव, जो आप लोग जो लोग आपको पसंद करते हैं या जिसको आप पसंद करते हैं उसको आगे बढ़ करके आपको प्रपोज करना पड़ेगा, या वो प्रपोज करें तो उनको उनके बारे में सोचना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आप कर क्या रहे हैं, आप सिर्फ काम कर रहे हैं, आप सोच रहे ठीक है प्यार है ठीक है पढ़ा है, पर प्यार को केयर चाहिए होती है, देखिए प्यार जो चीज़ होती है, रिलेशनशिप जो चीज़ होती है उसमें रेगुलरली हमें एक ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है, केयरिंग उसे कह सकते हैं, छोटे छोटे हम गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, बात करते हैं, दीज आर द थिंग्स जो हमारे प्यार को एक खुशनुमा या एक वो आई कैन एनर्जेटिक, दिस अ वर्ड या एनर्जेटिक बना के रखता है। तो ये जो चीज़ है आप कल कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपके प्यार में कोई एनर्जी नजर ही नहीं आ रही है, और अब आपको प्यार भी चाहिए तो आपको एनर्जी उसमें फूंकनी पड़ेगी,
यू आर आपसे पैसा बना रहे हैं या अपने काम में बिजी हैं या अपनी स्ट्रगल में बिजी हैं, नहीं, प्यार का आपके पास ना तो टाइम है और ना ही आप उसको सीरियस ले रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग थिंग, वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। मैं आपका मैं निकालने वाली हूँ ऑरिकल, ऑरिकल से क्या मैसेज आ रहा है, पायलटी की बात कर रही हूँ मैं, द वर्ल्ड पेशेंस रख रख के आपकी हालत ऐसी हो गई कि आपको दुनिया में सब चीज़ चाहिए, द वर्ल्ड का कार्ड है, हैप्पी फैमिली, ठीक है। सबसे पहले आपका कार्ड है द वर्ल्ड का, जो कि मुझे मैसेज मिल रहा है फ्रॉम द ऑरेकल्स, ठीक है। द वर्ल्ड क्या कह रहा है, द वर्ल्ड कह रहा है कि एक कहीं आशा की किरण है, आपको सब कुछ मिलेगा, आप सब कुछ ले सकते हो, बट आपको क्या है कि आप कुछ करना पड़ेगा, कर्मा करना पड़ेगा। द वर्ल्ड इज रिलेटेड फ्रॉम द सैटर्न, सैटर्न इज सेइंग हमेशा कहता है कि आपको कर्मा करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ठीक है सब है, एवरीथिंग इज ओके, आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ, बट अगर आप कर्मा नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सेकेंड इज हैप्पी फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, बट प्यार वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही। आप कैसे अपनी फैमिली को खुश रखने के अलावा, जैसे आप अगर आप अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली यू नीड लव, और अगर आप शादीशुदा भी हैं तो भी आपको लगता है कि मेरी फैमिली खुश है मुझसे, बट नहीं, वहाँ प्यार नहीं है। फैमिली हैप्पी है, नो डाउट, अच्छी फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, ये आपकी फीलिंग है, यानी मैसेज आपको मिल रहा है ऑरेकल से, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ कर्म नहीं कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली को बनाने के लिए प्यार की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन आप सिर्फ पैसा बना रहे हैं, ठीक है। यू वॉन्ट टू मेक योर फैमिली हैप्पी, तो उसके लिए आपको उनको प्यार भी करना पड़ेगा, एंजल बैलेंस आ रहा है, प्यार की आपको करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, प्यार के लिए आपको एक नया एनर्जेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी अपने प्यार को, रिलेशनशिप्स को, और बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। सिर्फ पैसा कमाना है, सैटर्न बिजी रहना, इट्स नॉट सो गुड फॉर द रिलेशनशिप एट ऑल। अभी तो फिर भी ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं आने वाले टाइम में और भी नेगेटिव आ सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मनी मंथ, मे मंथ, सॉरी नॉट मनी मंथ, मे मंथ 2021 फॉर द डीप पाइल। तो दिस इज माई एनालिसिस एंड माई रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू, जिन्होंने भी मेरा पाइल पसंद, जिन्होंने जो पाइल पसंद किया है, टाइम स्टैम्प पे जाकर के आप रीडिंग ले सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा चारों जो पाइल्स हैं उनके लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स, आप मुझे सब्सक्राइब तो कर रहे हैं रेगुलरली, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, बट मेरा जो व्यूज़ है उसको रेगुलरली वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आई एम जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए, तो आप इनको भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में या अपने फ्रेंड सर्किल को, ताकि उनको भी बेटर रीडिंग्स मिल सके ऑरेकल्स एंड टैरो दोनों की। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी व्यूअर्स से, ताकि मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो रेगुलरली बढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, एंड हमेशा खुश रहिए, और वैक्सीनेशन जरूर लगवा लीजिए, ये टाइम वैक्सीनेशन का है, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, बाहर रहें तो मास्क लगा के जरूर रहें, और स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो, गुड बाय।